बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आपका प्यारा दोस्त मोहम्मद शहबाज फ्राम आलिवान 68 गेमिंग चैनल से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जो WCC 3 में जो पाकिस्तान सुपर लीग है PSL है, इसे अनलॉक करके दिखाऊंगा और इसका फर्स्ट लुक भी देखेंगे कि इसका जो लोगो है वो किस तरह का है और क्या क्या चीज़ें इसमें चेंजेस हैं। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले आप हमारे इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही जो बेल आइकन है इसे कर दें प्रेस, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इससे पहले मैंने एक और वीडियो डाली है एशिया कप को अनलॉक करने की, वो भी आप जाके वीडियो देख लें, उसका भी आप फर्स्ट लुक देख लें कि एशिया कप किस तरह का है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, बगैर टाइम को ज़ाया करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि एंट्री फ़ीस कितनी है, तो आपके लिए सिंपली आपके पास 8000 कॉइन्स होने लाजमी हैं और साथ में आपके पास 56 यानी कि 56 जो प्लैटिनियम है वो होने ज़रूरी हैं। तो इसके अलावा ये सिंगल एंट्री, ये भी जो PSL है सिंगल एंट्री, यानी कि अगर आप एक दफ़ा मैच हार गए, टूर्नामेंट हार गए, तो दोबारा से फिर से आपको 8000 जो कॉइन्स है और 56 कॉइन इस्तेमाल करके ही आप दोबारा से PSL को खेल सकते हैं। तो इसलिए आपने एहतियात से खेलना है मैच को या टूर्नामेंट को, हारना नहीं है, बड़े एहतियात से आपने खेलना है। अगर आप हार जाते हैं टूर्नामेंट को तो आपको दोबारा से 56 प्लैटिनियम और 8000 कॉइंस आपको इस्तेमाल करने होंगे। और आगे हम बात कर लेते हैं कि इसमें प्लैटिनियम और रिवार्ड कितने हमें मिलेंगे। तो जितने हम यानी क्वालिफाइंग राउंड जीतेंगे, दो क्वालिफाइंग राउंड होते हैं, अगर हम जीतते हैं तो हमें एक क्वालिफाइंग राउंड जीतने पर हमें 7 प्लैटिनियम मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, और अगर हम टोटल टूर्नामेंट जीतते हैं तो 17600 हमें जो कॉइन्स हैं वो मिलेंगे। और इसके बाद जो हम विन बैक एवरी क्वालिफाइंग राउंड, यानी क्वालिफाइंग राउंड, यानी कि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप क्वालिफाइंग राउंड जीतते हैं, आपको 7 प्लैटिनियम और 2000 कॉइन्स अजाफी मिलेंगे। और उसके साथ आपको जो टोटल, अगर आप टूर्नामेंट जीतते हैं तो आपको 17600 कॉइन्स मिलेगा। तो इसलिए तो ये सब चीज़ें आपको पता लगी होंगी कि एंट्री फ़ीस किस तरह करनी है और जो हम अगर हम टूर्नामेंट जीतते हैं तो किस तरह आपको रिवार्ड मिलेगा। तो अब हम करते हैं अनलॉक। जैसे अनलॉक करते हैं तो यहाँ पर हमें एक वीडियो आएगी, वो वीडियो देखें, उसके बाद मज़ीद इसके ऊपर बात करते हैं कि इसकी लुक कैसी है या इसमें और क्या क्या चीज़ें चेंज हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनलॉक करने के बाद हमारे पास एक वीडियो आएगी, वो वीडियो को आप देखें। तो यहाँ पर जो वीडियो थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो अब हम नाम के जो टीम्स के नाम हैं उनका हम देख लेते हैं। तो नाम इनके दोस्तों अजीब और गरीब हैं, जो टीमों के हैं, लाहौर कलंदर हैं तो लाहौर लायंस है, कराची किंग्स का नाम ठीक है, क्वेटा। तो यहाँ पर आपने जो भी टीम आपने सेलेक्ट करनी है उसको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद एंट्री के ऊपर ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है, यानी कि 8000 आपने दे देना है। और उसके बाद आपको पॉइंट्स टेबल का यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आप अपनी पोजीशन देख सकते हैं कि आप कौन से पोजीशन के ऊपर हैं। तो हम मैच को करते हैं प्ले। जैसे ही मैच को हम प्ले करेंगे, बिल्कुल वैसे ही सेम थिंग्स हैं, सेम जैसे हम कि मैच में देखते हैं। अभी तक इन्होंने कोई भी एनिमेशन या कैप्चर रियल कैप्चर मोशन अभी तक कोई नहीं डाले। मैंने मैच को थोड़ा सा प्ले किया था, बिल्कुल क्विक मैच जैसा ही है, इसमें कोई नहीं है, वही आपके प्लेयर्स के नाम होंगे जो आपके क्विक मैच में होंगे। यहाँ से जो टीम्स के यानी कि PSL टीम्स में या IPL टीम में जो मैच होते हैं वहाँ नहीं है, वो प्लेयर्स नहीं होंगे इसमें। मतलब ये कि अगर आपकी टीम्स में PSL की लाहौर कलंदर की टीम में जो असल में प्लेयर्स होते हैं वो प्लेयर्स के नाम नहीं है, जो क्विक मैच में आपके नाम आपने चेंज किए होंगे वही प्लेयर्स आपके यहाँ पर होंगे। तो दोस्तों, अगर आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाजम लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। तो मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।